अगे वधांगे अमृतसर दे सुल्तानगंज विच शरेआम गोलीबारी हुई है जी। हाँ, फायरिंग हुई है पुरानी रंजिश दे चलदिआं नौजवान नूं गोलियां मारियां गईआं। नौजवानां दीआं आपसी बहस ने खूनी रूप धार लिया। गोलियां चलाउण वाले एक मुलजम दी पुलिस ने पछाण कर ली है। या गोलीबारी तो बाद बदमाश इतों मौके तो फरार हो गए, लेकिन किस तरह के नाल अमृतसर शहर के जिस तरह एक घटनावां लगातार अपराधिक वापरिया ने, इतने हुण पुरानी रंजिश चलदिआं नौजवान नूं गोलियां मारियां गईआं ने। शरेआम इस तरह दीआं घटनावां गोलियां मारन दीआं सामने आ रहीआं ने। नौजवानां दी आपसी बहस ने इत्थे खूनी रूप धार लिया और जिस तरह नाल इत्थे गोलियां चलाईआं गईआं। फिलहाल इत्थे पुरानी रंजिश दा इह मामला दस्सिआ जा रिहा है। पुलिस वालों हुण मौके ते पहुंच के पूरे मामले की जांच जिहड़ी है ओह कीती जा रही है। नौजवानां दी आपसी बहस ने खूनी रूप धार लिया। मामूली जी जो तकरार सी ओह खूनी झड़प विच बदल गई। गोलियां चलाउण वाले एक मुलजम की पुलिस ने पछाण कर ली है। और दो चार पांच सात दिन लोग होते ही रौला जिहा एकदम पिया, गोली चली तो मैं अंदर नूं आपां दौड़िया। अच्छा। मैं कहा कितने गोली इधर ना आ जाए। अच्छा। जो मैं अंदर नूं गया तो जिस नूं गोली वजी वह भी अंदर आ गया। अच्छा। मगर वो चलाने वाला भी फायर तो फायर करी जान दिया। मैं बिचों अपनी जान बचा के मैं गली बाजार से आ गया। इतने दवाई दिता पाया है जी दुकान से। उस तो बाद जी मैं आवाज आई है गोली चलने की, दो तीन जने तीन चार फायर हुए शायद। अच्छा जी। तो उस बाद बाजी मैं बाहर बाहर वेख्या वा तो इतने लाला लाला होंगी है। पहचान हुई है बलकार सिंह उर्फ लब्बा। दो हथियार हुण तक तस्दीक हुए हैं जिहड़े कि वरते गए हैं। वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन दो कंफर्म आइडेंटिफाई हुए हैं, दोवें भरा ने। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਦੋ ਜਵਾਨ ਸੀ।